हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, वर्ल्ड कप T20 2021 का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये उल्टी काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह मुकाबला 18 अक्टूबर से UAE में होना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की, जो इस वर्ल्ड कप में हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट संबंधी सारी छोटी बड़ी अपडेट फ्री में पाने के लिए और सभी मैचों की बेस्ट ड्रीम 11 टीम सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीके से पाने के लिए चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 T20 वर्ल्ड कप के बारे में, क्या हो सकती है भारत की फाइनल स्ट्रांगेस्ट प्लेइंग 11 टीम, उस पर हम नज़र डालेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो यहाँ पर पहला नाम रोहित मैन सुपर हिट शर्मा का जो फिक्स है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता अगर ये इंजर्ड नहीं हुए तो। ये निश्चित तौर पर ओपनिंग करने के सबसे पहले दावेदार होंगे और इनके साथ जो करंट फॉर्म देखते हुए KL राहुल हो सकते हैं इनके पार्टनर, जो कि इनके साथ ओपनिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कुछ समय से KL राहुल काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि इनके बैकअप के तौर पर शिखर धवन को ज़रूर देखा जा सकता है, लेकिन शिखर धवन कुछ उतने अच्छे फॉर्म में चल नहीं रहे हैं और ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा UAE की कंडीशन पर, जहां पर IPL होना है। और IPL में इन दोनों खिलाड़ियों में जो भी खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा उसकी टिकट निश्चित तौर पर पक्की रहेगी पहली चॉइस के रूप में ओपनर के लिए इंडियन टीम के लिए। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर बिल्कुल रन मशीन कोहली को आना है। यहाँ पर कोई किसी को डाउट नहीं होगा, भारतीय टीम के कप्तान हैं और ये ओपनिंग के भी दावेदार हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि नंबर 3 पर खेलने आए। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 का जो स्लॉट आता है, यहाँ पर भारतीय टीम के उदीयमान सूर्य कुमार यादव का नंबर आ रहा है, जिन्हें पिछले कुछ समय से काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाना जा रहा है। IPL से इनका उद्भव हुआ है और आज की डेट में इनको इंडिया का मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स से भी तुलना किया जा रहा है। तो ये काफ़ी शानदार खिलाड़ी है, नंबर 4 पर इनकी जगह फिक्स बनती नज़र आ रही है। नंबर 5 पर भारतीय टीम के स्टाइलिश विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का खेलना तय है, जो काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, खासकर जब से ऑस्ट्रेलिया के गाबा टेस्ट में मैच विनिंग इनिंग खेले थे, उसके बाद बैक टू बैक था शानदार परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। इनकी जगह पर ईशान किशन को जरूर बैकअप के तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का होना तय है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या की उम्मीद बनती है। हार्दिक पांड्या हालांकि पिछले कुछ समय से फिटनेस इशू की वजह से बाहर रहते हैं और गेंदबाजी उतना अच्छा कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और बढ़िया गेंदबाजी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 6 पर निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या का नाम सजेस्ट आता है। नंबर 7 पर दोस्तों, रविंद्र जडेजा की तलवारबाजी हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं और UAE की कंडीशन में ये काफ़ी शानदार काम कर सकते हैं, जहां की धीमी विकेटें इनकी फिरकी गेंदों को काफ़ी रास आ सकती है। इसके अलावा उपयोगी बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन फील्डर हैं, तो ये 3D टाइप के खिलाड़ी हैं, इनका खेलना निश्चित तौर पर तय है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे अगली पिक नंबर 8 पर। दोस्तों, स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार की प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है। हालांकि इनका भी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहा है, कुछ इंजरी का इशू रहता है, लेकिन काफ़ी शानदार गेंदबाज होने के साथ साथ अच्छे हिटर भी हैं और UAE की कंडीशन में जहां पर बल्लेबाजी में थोड़ी डेप्थ की ज़रूरत होगी, तो भुवनेश्वर कुमार ऑब्वियस चॉइस होने वाले हैं। दोस्तों, अगली जो चॉइस रहने वाली है नंबर 9 के कंटेस्टेंट के लिए, मोहम्मद शमी का है, जो काफ़ी शानदार काम करते हैं गेंदबाजी में। हालांकि इनकी जगह पर टी नटराजन या फिर शार्दुल ठाकुर को भी सजेस्ट किया जा सकता है। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्लेस है, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल आसान नहीं है कि इन तीनों में से कौन प्लेइंग 11 में सबसे स्ट्रांगेस्ट कंपटीटर है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों, नंबर 10 पे आएंगे बूम बूम बुमराह, जिनकी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाज काफ़ी खौफ में रहते हैं। और दोस्तों, फाइनली नंबर 11 पर UG चहल का खेलना तय है, जो UAE के कंडीशन की धीमी विकेट पर ये फेवरेट हो सकते हैं और किसी भी मैच में किसी भी विपक्षी टीमों की कमर तोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं अपनी फिरकी गेंदबाजी से। तो नंबर 11 के ये कंप्लीट कंटेस्टेंट हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें कौन सी खिलाड़ी की आपको और
आवश्यकता है, कौन सी खिलाड़ी आपको लगता है कि किसी के प्लेस पर खेल सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।